हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। इनका संडे आ चुका है, ना चुका हमारा Q&A वीडियो। सो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 282 में आप सभी का स्वागत है। ये सबके गर्म गर्म क्वेश्चंस का गर्म गर्म रिप्लाई देने वाला हूं, बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सैम, ये बोलते हैं भाई मच लव फ्रॉम कोलकाता, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। ये पूछ रहे, मेरा क्वेश्चन ये है कि 30,000 रुपीज़ के नीचे कौन सा फोन लेना बेटर होगा, IQ Neo 7 या Poco F5। दोनों अपनी प्राइस पॉइंट पे जबरदस्त है, ऑफर वगैरह लगा के दोनों स्मार्टफोन अराउंड 27,000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहे हैं। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटीज को देखते हुए ले लो। अगर आपको बिना अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के चल जाएगा, मैं बोलूंगा IQ Neo 7 ले लो। एंड मैं अगर रहता आपकी जगह, कौन सा फोन मैं परचेस करता, तो डेफिनेटली मैं भी लेता IQ Neo 7 को। स्लाइटली मुझे बेटर लगता है क्योंकि प्राइमरी सेंसर वहां पर आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे हैं मोहम्मद निहाल, ये बोलते हैं बेस्ट 4G एंड 5G फोन अंडर 10K, विच वन शुड आई बाय, 4G और 5G इन माय एरिया, 5G इज अवेलेबल। देखो, 10,000 रुपए का बजट है, 5G फोन इतने कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलते, वही 11,000-12,000 रुपए में ठीक ठाक से आते हैं। तो मैं बोलूंगा 10,000 रुपए का बजट है, कोई अच्छा 4G स्मार्टफोन ले लो। पोको M4 प्रो 4G वगैरह जो है ऑफर में, उसका 664 वाला वेरिएंट 10,000-11,000 रुपए में मिलता है, वो मेरे सबसे डील रहेगी आज की डेट में। 5G लेना है तो 15,000 रुपए तक के लेना, उसके नीचे का 5G इतने कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं मिस्टर रॉकेट मैन, ये बोलते हैं सर आपको क्या लगता है कोई और ब्रांड जो है स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 प्रोसेसर के साथ में फोन लॉन्च करेगा क्या अंडर 30,000 रुपीज में? तो पोको ने तो अपना F5 लेके आ चुका है, मुझे लगता है एक ब्रांड यहाँ पर कर सकता है, वो है रियलमी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, रियलमी GT Neo 5 ऐसी करके स्मार्टफोन चाइना मार्केट में गया था, सेम चिपसेट, धमाकेदार फीचर, बहुत सस्ते में वहां पर लॉन्च हुआ था अंडर 25,000 रुपीज में। वो रियलमी इंडियन मार्केट में 30,000 रुपीज के आसपास भी अगर वो स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं, लिटरली आग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे तनिष मित्तल, ये बोलते हैं बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन अंडर 20K, पोको F5 अंडर 20K में बिग बिलियन डे सेल 2023 में पॉसिबल है या नहीं? तो 20,000 रुपए में अभी फिलहाल के लिए इतने कोई खास स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बोलूंगा बड़े सेल का वेट करो, जो थोड़े पुराने फोन है उसी को परचेस करो, वो ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। एंड पोको F5 20,000 रुपए में आना यार बहुत मुश्किल है, 30,000 रुपीज का फोन है, अभी करंटली ऑफर वगैरह के साथ में 27 का मिल रहा है, BBT सेल में तगड़ा डिस्काउंट उस पर मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपए में मुश्किल है क्योंकि बाकी के पोको के फोन फिर कोई नहीं लेगा। तो ये शायद आपको 23-24,000 रुपए तक के आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन 20,000 रुपए में बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं मास्टर ब्लास्टर, ये बोलते हैं भाई फ्लिपकार्ट पे नेक्स्ट मोबाइल सेल कब आएगा? तो जो अभी बिग 7 डे सेल थोड़ा अच्छा खासा मतलब डिस्काउंट वाला सेल था, अब ये वाला सेल डेफिनेटली आपको इसकी तरह जो सेल है वो मॉनसून सेल या आप बोल सकते हो जून जुलाई के टाइम पे मिलेगा। लेकिन जो छोटे मोटे सेल चलते रहते ना, मोबाइल बोनेंजा सेल या आप बोल सकते हो एक दो जो एक्सचेंज ऑफर, ये सारे सेल जो आपको मे की लास्ट या थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ मे में फिर से आपको छोटे मोटे सेल मिलेंगे। लेकिन जो थोड़ा अच्छे वाले डिस्काउंट वाले सेल रहेंगे वो आपको डेफिनेटली जून जुलाई में, जो मॉनसून सेल के नाम से आता है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे हैं मनन अरोड़ा, ये बोलते हैं भाई आईफोन 14 प्राइस इन BBD सेल। तो अभी फिलहाल के लिए ऑफिशियली तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि 55,000 से 60,000 55,000 to 60,000 रुपीज के बीच में जो है BBD सेल में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हैं भानु छेत्री, बोलते हैं सर क्या लावा 2023 में चाइनीज ब्रांड को टक्कर दे पाएगा क्या? एंड माइक्रोमैक्स का कोई न्यू फोन आ सकता है क्या 5G में? लव यू सर। भाई लव यू टू। माइक्रोमैक्स पता नहीं यार, इतने वादे दिए थे ये लाएंगे वो लाएंगे, कमबैक करेंगे देश का ब्रांड, मतलब कहाँ चले गए पता नहीं। इनको मेरे हिसाब से जो कमबैक कर रहे थे ना लॉकडाउन के टाइम पे, इनको कंटिन्यू यहाँ पर रखना चाहिए था, पता नहीं गायब हो गया, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन लावा बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। अब इनका जो लावा अग्नि 2 करके स्मार्टफोन है, कर्व डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7050, बताया जा रहा अंडर 20,000 रुपीज में लाते हैं। अगर ऐसे तगड़े फोन लावा वाले लॉन्च करेंगे, डेफिनेटली 2023 में ये चाइनीज प्लेयर को यहाँ पर कम्पीट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे राउडी राठौड़, ये बोलते हैं सर रियलमी 11 प्रो 5G सीरीज की इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होगा, प्लीज रिप्लाई बिग फैन। तो यहाँ पर जो Realme 11 Pro 5G है, चाइना में तो बहुत ही सस्ते में गया था, इंडिया प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जो रेगुलर प्रो वाला वेरिएंट है आप एक्सपेक्ट करो, ये आपको 23,000 से 25,000 रुपए के बीच में देखने को मिल सकता है। जबकि जो प्रो प्लस वाला वेरिएंट है वो 28,000 से 30,000 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, ऑफर वगैरह लगा के चीप में मिलेगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस पॉइंट है इसके आसपास की आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ऑफिशियल, ये बोलते हैं भाई लव यू टू, ये बोले क्या 2023 में Realme 9 Pro प्लस
A256B वाला वेरिएंट 22,000 रुपये में मिल रहा है, सारे कूपन ऑफर लगा के प्लीज रिप्लाई, मतलब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए भाई ये पूछ रहे हैं। तो फोन नो डाउट 22,000 रुपये में 256GB 8GB रैम के साथ में जबरदस्त है। हाँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मिलता है, ग्लास बैक है, अच्छे कैमराज है, डिसेंट प्रोसेसर है, लेकिन दिक्कत ये है कि रियलमी 9 प्रो सीरीज आई, 10 प्रो भी आई, थोड़े टाइम बाद आई, लेकिन अब जो कुछ दिन बाद आपको 11 प्रो सीरीज भी इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, तो जो रीसेल वैल्यू है ना रियलमी 9 सीरीज की वो बहुत ही कम हो जाएगी, दो जनरेशन पुराना स्मार्टफोन हो जाएगा। तो ये चीज देखो, अगर आपको उससे रीसेल वैल्यू से लेना देना नहीं है, 22,000 रुपए में एक तगड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी स्टोरेज के साथ में, डेफिनेटली आज की डेट में भी 22,000 रुपए में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे श्रुति अब्बास अली, ये बोलते हाई कैसे हो, मैं मस्त हूं, ओके मैं भी मस्त हूं। एंड ये पूछ रहे, इन्हें 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे रैपिड फायर टाइप का, रियलमी सेल क्यों लेस हो रहे हैं, सेल बराबर हो रहे यार वो कंपनी वाले, ऐसा हमें लगता है कि सेल कम हो रहा है, लेकिन इंडिया में करोड़ों स्मार्टफोन यूज़र है, करोड़ों स्मार्टफोन बिकते हैं, हर साल में लोग दो दो स्मार्टफोन तीन तीन स्मार्टफोन भी चेंज करते हैं, तो कोई सेल कम नहीं है, अच्छे खासे सेल हो रहे हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो रियलमी शाओमी थोड़ा नीचे चले गए, लेकिन सेल अभी भी उनके तगड़े वाले हो रहे हैं, नार्जो सीरीज़ में, रियलमी नंबर सीरीज़ में, है ना, आप बोल सकते हो फ्लैगशिप किलर डिपार्टमेंट में। दूसरा ये पूछ रहे, कैन वी ट्रस्ट पोको फोन्स, ऑफकोर्स यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज जो डेड इशू था ना पोको X3 प्रो में आया था, देन X4 प्रो मेरे फैमिली मेंबर में इस्तेमाल करे, X5 है, X5 प्रो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पोको फोन पे भरोसा कर सकते हैं, अब तो 2 साल की वारंटी देना भी स्टार्ट कर दिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहे, शाओमी क्या बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, भाई उनका करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर चल रहा है, इतने सारे स्मार्टफोन मतलब आप बोल सकते हो दिन में बेच रहे, तो इतना सारा कमा रहे, तो भाई ये इंडिया में क्यों बंद करेंगे, जब नोकिया जैसे ब्रांड इतना लॉस में कोई फोन भी नहीं ला रहे, तब अभी तक के यहाँ पर टिके हुए कुछ ना कुछ लॉन्च करे, तो शाओमी तो यार मतलब बहुत ऊपर था, बहुत सालों तक के नंबर वन ब्रांड था, तो बंद होने का तो चांस ही नहीं, आई होप सो के शाओमी वाले कमबैक करें। इसी साथ में ये पूछ रहे, फोन मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने साल यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, तोड़ने वाले तो 2 महीना भी बराबर से इस्तेमाल नहीं कर पाते, एंड कोई ऐसे यूजर भी है 5-5, 6-6 साल तक अपने स्मार्टफोन को नए जैसा इस्तेमाल करते, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। एंड ये पूछ रहे लावा का फ्यूचर क्या है, मेरे को जहां तक के लग रहा है लावा अग्नि 2 वगैरह जो कर्व डिस्प्ले डेमेंसिटी 7050 के साथ में अंडर 20,000 रुपीज के अराउंड लाते, तो इनका फ्यूचर मुझे जो स्पेसिफिकेशन वगैरह ला रहे उसके हिसाब से काफी ब्राइट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे संजय ठाकुर, ये बोलते हैं भाई रियलमी 11G स्मार्टफोन मतलब 5G पूछ रहे स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और प्राइस पॉइंट क्या होगी, और ये बोले और भाई आपका क्या हालचाल है, मेरा हालचाल बढ़िया है, आप कैसा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। रियलमी की 11 सीरीज इंडिया में बताया जा रही है मई की एंड में या जून की स्टार्ट तक के आपको देखने को मिल सकती है, रियलमी इंडिया ने इसे ट्विटर वगैरह पे टीस करना स्टार्ट कर दिया है। एंड प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें रियलमी 11 5G वो 17-18 हज़ार रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे सुमित कुमार, ये बोलते हैं भाई पोको F5 लेना चाहिए प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, ऑफकोर्स आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर पोको F सीरीज में जो F4 5G हो गया, पोको X5 हो गया, पोको X4 प्रो हो गया, या पोको X5 प्रो की अगर हम बात करें कोई डेड इश्यूज वगैरह हमें देखने को नहीं मिले, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड जो इश्यूज आ रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो आपको पोको X3 प्रो में देखने को मिल रहे थे, तो वो उसको अच्छे खासा टाइम हो चुका है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, 27,000 रुपये के आसपास का बजट है ये स्मार्टफोन, डेफिनेटली आप देख सकते हो फीचर वाइज धमाकेदार फोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे अभिजीत दे, ये भाई ने पूछे 2 संडे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पिक नहीं करे, ये पूछ रहे रेडमी नोट 10 प्रो में MIUI 14 और Android 13 का अपडेट आया करना चाहिए बिग फैन, डेफिनेटली आप अपडेट कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा कजिन ब्रदर भी इस्तेमाल कर रहा है, थोड़े बहुत यहाँ पर हाँ थोड़े बहुत माइनस आपको बग्स इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो कंपनी वाले थोड़े टाइम में अपडेट से फिक्स कर देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आप अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे निकुल सरोला, ये बोलते हैं भाई आप जो भी फोन अनबॉक्स करते हो सेल करते हो क्या एंड करते हो तो कहाँ पर करते हो, तो सबसे पहले तो मैं फैमिली मेंबर में ढूंढता हूँ वहाँ नहीं मिले, तो फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ वहाँ भी नहीं मिले, तब मैं उसे OLX पे सेल कर देता हूँ या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं शैलेश कुहाड़, ये बोलते हैं हाय यासिर भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये भाई का क्वेश्चन ये है बेसिकली कि 30-40,000 रुपीस का इनका टाइट बजट है, ये फ्लिपकार्ट के BBD सेल तक के वेट कर सकते हैं, इनके फोन ऑलराउंडर होना चाहिए, बेस्ट कैमरा चाहिए, 12-256GB चाहिए, 5,000 mAh बैटरी, ग्लास बैक, ट्रिपल कार्ड स्लॉट वगैरह इनको चाहिए, तो फोन कौन सा लूं,
तो देखो मैं अभी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, आप मेरा चैनल को वीडियोस देखते रहो। बीबीडी सेल में तो आप सभी को पता है मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ सेल के रिगार्डिंग, बेस्ट डील 15,000, 20,000, 25,000, 100 डील, 50 डील्स। तो डेफिनेटली बीबीडी सेल तक क्या अगर आप वेट कर सकते हो तो सेल का वेट करो। जब भी जो भी तगड़े स्मार्टफोन रहेंगे 30,000 से 40,000 रुपीज़ की रेट में आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, वो टाइम मैं अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतने कुछ खास फोन वगैरह बिना ऑफर के आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो बीबीडी सेल तक अगर आप वेट कर सकते हो तब ये क्वेश्चन कर रहा, मैं इसका जवाब डेफिनेटली वो टाइम पे दे दूंगा। सो गाइस ये ओवरऑल यहां पर आपने कुछ धमाकेदार क्वेश्चन पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन अभी क्या अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि उसको पसंद आई होगी, एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।